जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 22 जून 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर वन, इंटरनेशनल फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? कौन सी डे को, कौन सी दिन को इंटरनेशनल फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थर्ड संडे ऑफ जून। याद रखना, थर्ड संडे ऑफ जून मंथ को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। फादर्स डे इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन अबाउट 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून मंथ। याद रखना, जून मंथ की थर्ड संडे को ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 70 कंट्री में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना, 2023 फादर्स डे सेलिब्रेटिंग ऑन जून 18। याद रखना, ये जून मंथ जून 18 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेनी अदर कंट्रीज हैव डिफरेंट डेट्स टू सेलिब्रेट फादर्स डे फॉर डिफरेंट रीजन। लगभग 70 कंट्रीज में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है फादर डे के रूप में, फादर्स डे के रूप में। और याद रखना, ये डे ज़्यादातर हमारा इंडिया में थर्ड संडे ऑफ जून मंथ की सेलिब्रेट किया जाता है, बट अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग टाइम पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग रीजन के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड सिकल सेल डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 19 जून। याद रखना, सिकल सेल, याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। ये मतलब उसका मतलब है जो कि वर्ल्ड सिकल सेल इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि ये एक ब्लड डिजॉर्डर है, ब्लड डिजॉर्डर डिजीज, ये एक डिजीज, ब्लड डिजॉर्डर डिजीज, इम्पोर्टेंट डे है। और बहुत ही लगभग अमेरिका में 1 लाख पीपल को ये डिजीज देखने को मिलता है। सो ये एक जेनेटिक ब्लड डिजॉर्डर है, सो इसीलिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, ब्लड डिजॉर्डर, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एंड ब्रिंग्स अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ सिकल सेल डिजीज SCD। याद रखना, SCD उसका फुल फॉर्म है सिकल सेल डिजीज। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज है, जो कि ब्लड जेनेटिक ब्लड डिजॉर्डर है। अमेरिका में 1 लाख पीपल को ये डिजॉर्डर देखने को मिलता है। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एस्टिमेट दैट 1 लाख अमेरिकन आर अफेक्टेड बाय दिस जेनेटिक ब्लड डिजॉर्डर। याद रखना, 1 लाख अमेरिका का 1 लाख पीपल को ये डिजॉर्डर देखने को मिलता है। सो इम्पोर्टेंट डे है, याद रखना। सो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डे दिया गया है, उसे याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को भी सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। याद रखना, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून बाइसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इम्पोर्टेंट डे है याद रखना, 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। और 8 जून को भी सेलिब्रेट किया जाता है और एक डे के रूप में, उसका नाम है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर, लोगों को उसके बारे में पता चलने के लिए, उसे अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। और ये जितना भी डे देख रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो उसे नोट करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, हु हैज बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021? याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 किससे मिला है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गीता प्रेस। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गीता प्रेस यानी वो जो स्थित है उसका, गोरखपुर में स्थित है। याद रखना, गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस को जो कि ये अवार्ड मिला है, गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये पुरस्कार उनको मिला है। याद रखना, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड फॉलोड बाय गांधी मेथड। याद रखना, उन्होंने गांधी मेथड को फॉलोड किया, जो कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी उन्होंने नॉन वायलेंट थ्रू, जो कि गांधी मेथड को फॉलो किया, सो इसीलिए उसे ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु एड्रेस्ड द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिनिस्टर मीट। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कृषि बैठक बैठक किसने संबोधित की है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीएम मोदी। याद रखना पीएम मोदी, जो कि G20 एग्रीकल्चर यानी कृषि बैठक को पीएम मोदी ने संबोधित की है। द मीटिंग एम्स टू डिस्कस इम्पोर्टेंट इशू सिलेक्टेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी। एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी के लिए ये मीटिंग रखा गया है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, याद रखना, जो कि पीएम मोदी के द्वारा संबोधित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट हैज बीन टॉप्ड अचीवर्स इन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के क्षेत्रों में कौन सी स्टेट टॉप की है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। याद रखना राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट उसमें टॉप की है, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सेलिब्रेटेड की गई है ग्लोबल विंड डे। और याद रखना ग्लोबल विंड डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जून, याद रखना 15 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम, उसका जो थीम रखा गया है उसका नाम है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना उसका थीम, जो ये थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा क्योंकि जो हमारा पवन ऊर्जा है वो बहुत ही क्षेत्रों में यूज हो सकता है, जो कि पवन एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है। ऐसा क्योंकि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा और जो सोलार एनर्जी है, ये कभी कभी विलुप्त ना होने वाला एनर्जी में से एक है। ये इम्पोर्टेंट एनर्जी है, जो कि कभी विलुप्त ना होने वाला एनर्जी में से एक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इनॉग्रेटेड नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत। याद रखना नेशनल विधायक सम्मेलनी भारत का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओम बिरला। याद रखना नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस भारत का जो उद्घाटन किया उसने, ओम बिरला ने उद्घाटन किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस भारत वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। याद रखना हमारे जो लोकसभा का स्पीकर है उसका नाम है ओम बिरला इन मुंबई, जो कि मुंबई में उसका इनॉग्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गृह ज्योति योजना। एक स्कीम है, इम्पोर्टेंट स्कीम है, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है गृह ज्योति योजना, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। याद रखना ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और उसका जो एम रखा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट एम टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू पोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली ऑफ द स्टेट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो याद रखना जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है गृह ज्योति योजना। सो हर घर, ये जो यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट बिहार स्टेट का हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है बिहार का ही है। और सीएम लर्न एंड यर्न स्कीम, जो कि मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है। मो घर स्कीम, ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, मो घर, ये ओडिशा स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम। प्रोजेक्ट संजीवनी हिमाचल प्रदेश की है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच स्टेट द नेशनल योगो ओलंपियाड विल बी हेल्ड। कौन सी स्टेट में नेशनल योगो ओलंपियाड अनुष्ठित होगी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मध्य प्रदेश में ये योगो ओलंपियाड अनुष्ठित होगी, जो कि 9th एडिशन, याद रखना 9th इंटरनेशनल योगो डे, और इंटरनेशनल योगो डे, जो कि योगो डे में ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल योगो डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी दिन को इंटरनेशनल योगो डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 21 जून।
21 जून को जो कि इंटरनेशनल योगो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना उसका थीम जो है योगो फॉर वसुधैव कुटुंबकम। याद रखना ये जो थीम है उसका थीम रखा गया है, इम्पोर्टेंट स्कीम है योगो फॉर वसुधैव कुटुंबकम और ये 9th एडिशन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड फेमस जैरोड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री में, ये जो चार ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का पृथ्वी का सबसे फेमस जैरोड फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका तो आपको उत्तर पता ही होगा, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया में यह सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया का ओडिशा का पूरी सिटी में ये सेलिब्रेशन किया जाता है। इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है। पूरी रथ यात्रा जो कि 600 ईयर्स ओल्ड फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल जो कि 600 ईयर्स ओल्ड की है, पूरी रथ यात्रा 600 ईयर्स ओल्ड फेस्टिवल ऑफ चैरोट दैट सेलिब्रेट्स डिवाइन जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा। जो तीन भगवान है, तीन मूर्तियाँ है, उसे लेकर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे को गुंडीचा यात्रा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है व्हेन जगन्नाथ चैरोट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सी दिन यानी तिथि ऐसे कह सकते हो, कौन सी दिन को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो आंसर इज एज पर द इंडियन कैलेंडर दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल। याद रखना शुक्ल पक्ष, सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन 2023 जून मंथ की 20 को ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है जो कि ओडिया कैलेंडर में सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो कि जून 20 में सेलेक्ट किया जा रहा है। सो फ्रेंड याद रखना, सो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट जीके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।